नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुहीराज में चल रहे कोरोना टीकाकरण में बढ़ती जा रही है लापरवाही। सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। टीकाकरण के लिए उमड़ रही भीड़ को सुव्यवस्थित करने स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता से अस्पताल से ही संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं टीकाकरण के बाद लोगों को स्वाभाविक बुखार आदि की दवाई नहीं दी जा रही, जबकि नियमानुसार टीका लगते ही उन्हें तुरंत दवाई दी जानी चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए तमकुहीराजा क्षेत्र के नागरिक स्वस्फूर्त होकर टीका लगवाने अस्पताल या टीकाकरण केंद्रों तक आ रहे हैं। तमकुहीराज व आसपास के गांवों के लोगों का टीकाकरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुहीराज की निगरानी में किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण के लिए आ रहे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने समुचित व्यवस्था नहीं की गई है और न ही उन लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण वरिष्ठ नागरिकों को भी जमीन पर एक दूसरे से सटकर बैठना पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुहीराज में टीकाकरण के लिए लग रही भीड़ को सुव्यवस्थित करने के कोई कारगर उपाय भी नहीं किए गए, जिसके कारण लोगों पर अस्पताल से ही संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। यहां पर टीका लगवाने के बाद लोगों को किसी तरह की दवाई वितरित नहीं की जा रही, जबकि टीकाकरण के बाद बुखार या शरीर में दर्द की शिकायत की संभावना को देखते हुए टीकाकरण के तुरंत बाद टीका लगवाने वालों को संबंधित दवाई नियमानुसार निःशुल्क वितरण की जानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण टीका लगवाने वाले लोगों को अनायास बुखार व बदन दर्द के कारण रात भर परेशान होना पड़ रहा है, फिर से दूसरे दिन अन्य चिकित्सक के पास जाकर दवाई लेना पड़ रहा है। कोरोना के टीकाकरण के लिए देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि टीका लगाने के बाद बुखार या बदन दर्द संभावित है और उसके लिए टीकाकरण कराने वालों को तुरंत दवाई दी जानी चाहिए। विकासखंड के अन्य टीकाकरण केंद्रों में शासन के निर्देशानुसार टीका लगाने के बाद बुखार व दर्द की दवाई वितरित की जाएगी। तमकुहीराज विकासखंड चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण के लिए बढ़ती जा रही लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? दवाई दिया जाना अनिवार्य नहीं है, शासन द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार टीकाकरण किया जा रहा है।